hello students welcome in your science class i'm kapsham here for making your science easy we are studying our chapter disaster management in this disaster management we have studied the disaster like earthquake and flood in this video we are going to study about the disaster storm फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो in इन resulting in चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन and लो ईर प्रेशर की वजह से जो एयर का प्रेशर होता है वो कभी ज्यादा और कभी बहुत कम होने की वजह से वेदर में चेंजेस आ जाते हैं ये प्रेशर के जो बेल्ट होते है जिसे हम हिंदी में झोंका बोलते हैं ना हवा का झोंका yes? तो ये कभी विंड फॉर्म होना स्ट्रांग प्रेशर से विंड ब्लो होना कभी बहुत ही लो प्रेशर से विंड ब्लो होना इसकी वजह से क्या होता है एटमोसफेयर में चेंजेस आकर होते हैं वेदर में चेंजेस ऑकर होते हैं और इस चेंजेस की वजह से स्टॉम कंडीशन ऑकर होती है हाउ दिज स्टॉम्स हार्मुल फॉर द एनवाट वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउसेस रूफ ऑफ हाउसेस इज फ्लाइंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू टू स्टॉम की वजह से घर का जो छत है वो उड़ रहा है जो चीजें है आसपास की वो चीजें स्टॉम की वजह से उड़ गई है फ्लाई हो रही है और ऐसे ही बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है इस स्टॉम की वजह से

स्ट्रॉ स्टॉम्स डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई अल्सो कॉजेस ड्यू टू स्टॉम्स ये इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी कट हो जाता है स्टॉम की वजह से यहां पर आप देख सकते हैं ये पक्का हाउस है स्ट्रोंग हाउस है जो कि इस स्टॉम की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है जो सीमेंट कंक्रीट के वॉल्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं स्ट्रांग विंड की वजह से स्ट्रांग स्टॉम की वजह से और पोल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वो गिर जाते हैं वायर्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो कट हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है देन ट्रांसपोर्टेशन जो है रोड्स रेलवे ट्रैक्स ये जो है वहां पे डैमेज होके उनका डिस्टर्बशन होता है और कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है स्टॉम की वजह से ये कुछ इफेक्ट्स है स्टॉम के मेनी टाइम स्टॉम्स आर अकम्पनीड बाय रेन and such storms are called as thunder storm. Rain में जो storm occur होते हैं उस time thunder occur होता है Thunder means बिजली कड़कना uh, बादल गरजना ये भी उस storm में occur होता है ऐसे storm को thunder storms बोला जाता है क्या यू कैन सी द डैमेज ऑकर ड्यू टू स्टॉम स्टॉम की वजह से क्या क्या डैमेज हुआ है ये इस कंडीशन में इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं ये घर टूट गए है जो हाउसेस है वो डिस्ट्रॉय हो गए है प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है ये ट्रेन है और ट्रेन का डैमेज हुआ है स्टॉम की वजह से यहाँ पे ये व्हीकल्स घिरे पड़े हैं ये स्टॉम की वजह से

things, storm, cyclone and tornado, but their origin is same. एक जैसे ही वो बनते हैं लेकिन उनके power की वजह से इन्हें अलग अलग name दिए गए हैं Cyclones और tornado की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयनेस uh, होता है बहुत ज्यादा तबाही होती है ये storm, साइक्लोन एंड टर्नाडोज जो है इनके इफेक्ट्स आपको दिए गए हैं आपके बुक में फोर इफेक्ट्स दिए गए हैं वो इफेक्ट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं नेक्स्ट डिजास्टर इज फॉरेस्ट फायर अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट और ग्रास और फायर स्पीड। तो फायर होते वो बहुत ही फास्टली स्प्रेड होते हैं वो नेचुरल रीजन की वजह से हो सकते हैं या फिर मैन मेड रीजन की वजह से फॉरेस्ट फायर लग सकती है फॉरेस्ट में फायर ऑकर हो सकती है अब ये जो फॉरेस्ट फायर से, ये से है ये फास्टली कैसे स्प्रेड होते हैं तो फायर के लिए लगता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से फायर वर्क करता है या फायर आउट होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है और ये फॉरेस्ट में जब फायर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन उन्हें लार्ज अमाउंट में मिल जाता है जिसकी वजह से और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लोइंग ऑक्सीजन होता है wind होता वेरी क्विकली वेरी फास्टली वो स्प्रेड होते हैं ड्यू टू फॉरेस्ट फायर ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी कॉजेस फॉरेस्ट फायर की वजह से नेचुरल वेल्थ well का बहुत ज्यादा डैमेज होता है और बायोडाइवर्सिटी भी डैमेज हो जाती है और साथ ही साथ इसकी वजह से पोल्यूशन ईयर पोल्यूशन ऑकर होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से ईयर पोल्यूशन ऑकर होता है तो ये टू मेन इफेक्ट्स है फॉरेस्ट फायर के जो आपके बुक में दिए गए हैं ये आपको लिखने हैं क्या आई एम गिविंग यू सम कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर क्यों ऑकर होता है उसके कुछ कॉजेस जो आपके बुक में दिए नहीं हैं वो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ ये भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं नेचुरल कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर वार्मर क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न इज वन ऑफ द कॉज फॉर फॉरेस्ट फायर ये एक कॉज है फॉरेस्ट फायर का वार्म क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न इसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर ऑकर होते हैं राइट कॉज इन योर नोटबुक कैंप फायर कैंप फायर इज मैन मेड कॉज फॉर फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर के लिए कैंप फायर कैंप लगाए जाते हैं कैंपिंग करते हैं लोग फॉरेस्ट uh, में फॉरेस्ट देखने के लिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए जाते हैं वहां पे अपने कैंप्स लगाते हैं उन कैंप फायर आउट होने की वजह से या फिर कोई एक्सप्लोजिव पे uh, गिर जाने की वजह से फॉरेस्ट में फायर स्टार्ट हो जाता है ये मैन मेड कॉज है ये भी आपको आपके नोटबुक में नोट no डाउन करना है फॉरेस्ट फायर आर कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कैंप फायर यहां पे दी गई है ये भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है ये इस तरह की चीजें कैंपिंग में की जाती है जिसे हम फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फायर विंटर सीजन में फायर लगाया जाता है फॉर वार्मनेस और कैंपिंग के समय ये ऐसे जिसे हम मराठी में बोलते शेकोटी तो ये लगाने की वजह से आ, Warmth के लिए वो लगाते हैं लेकिन वो बुझाना वो ऑफ करना नेसेसरी होता है अगर वो अच्छे से ऑफ नहीं किया गया तो इसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर कॉज हो सकता है देन ड्यू टू बीडीज जो पीपल स्मोकिंग करते हैं तो ये बर्न burn, बर्निंग वाले स्मोक मटेरियल्स uh, जैसे सिगार है बीड़ी है वो फेंकने की वजह से फॉरेस्ट में फायर ऑकर हो सकता है देन मैच बॉक्स मैच बॉक्स यूज किए जाते हैं कैंपिंग में कैंडल्स लगाने के लिए लाइट अप करने के लिए ये मैच बॉक्स की मैच स्टिक्स यूज किए जाते हैं वो कहीं पे भी फेंके जाते हैं वो अच्छे से ऑफ नहीं किया गया तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर ऑकर हो सकता है ये कुछ मैन मेड रीजन्स है फॉरेस्ट फायर के ये भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं अनकंट्रोलेबल इम प्रोपरली हैंडल दीज आर द मैन मेड कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड नेचुरल रीजन में वन मोर रीजन हो सकता है लाइटनिंग लाइटनिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर लाइटनिंग जो होती है जिसे हम बिजली बोलते हैं बिजली अगर फॉरेस्ट में गिर गई तो उसकी वजह से आ, फायर स्टार्ट हो सकता है फॉरेस्ट में दैट इज वन ऑफ द नेचुरल रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर वो भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है